नमस्कार न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान पर मिसाइल हमला करने के लिए एकदम तैयार था और उन्होंने आखिरी मूवमेंट पे ये जो फैसला है उसे वापस ले लिया इस हमले का वैश्विक स्तर पर और, और स्पेशली अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ सकता है आइए हम इसके बारे में और जानते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था और वस्तुओं की आवाजाही में चोक पॉइंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वैश्विक तेल का 20 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट से भेजा जाता है भारत जो तेल का हिस्सा आयात करता है उसमें 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा जो है वो स्ट्रेट से आता है ईरान के अलावा इसमें इराक सऊदी अरब यू और कुवैत से भी तेल खरीदा जाता है ईरान किसी भी समय सो को बंद करने की क्षमता रखता है ईरान स्पष्ट रूप से कह, सक, कह चुका है कि यदि वह एसओएच के माध्यम से तेल का निर्यात नहीं कर सकता तो उसके अलावा कोई और भी राष्ट्र जो है वो यहां से तेल का निर्यात नहीं कर पाएगा अगर अमेरिका उसके सहयोगी जैसे इसराइल सऊदी अरेबिया यू और ईरान के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो इसके दोनों तरफ विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं इसका लोगों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस क्षेत्र के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी भारी गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे हालांकि ये जो हमले हो रहे हैं या जो होंगे उनका परिणाम केवल ईरान पर देखने को नहीं मिलेगा यमन में हॉथिस ने हाल ही में अमेरिका सहयोगियों से संबंधित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रतिष्ठानों पर ड्रोन से हमले किए हैं सऊदी अरब के जिजान हवाई अड्डे और एक वाटर डिसलिनेशन प्लांट पर ये ड्रोन हमले हुए हैं इन हमलों में जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही अपग्रेडेड ड्रोन थी और वो संभावित रूप से ईरान द्वारा सप्लाई की गई थी अगर ईरान के खिलाफ हमले बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ यमन के द्वारा सऊदी के ऊपर जो हम लोग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अगर इसराइल तस्वीर में आता है तो हिजबुल्ला भी संघर्ष में आ जाएगा के पास लगभग दो लाख रॉकेट होने की सूचना है जो संभावित रूप से इसराइल में गंभीर क्षति का कारण बन सकता है ईरान से जुड़े किसी भी युद्ध से कच्चे तेल की, की कीमतों में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी कीमतें कुछ 300 यूएस डॉलर प्रति बैरल से के पार जा सकती है जिससे वैश्विक मंदी अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी की काफी संभावनाएं हैं इन घटनाक्रमों का क्या आगे परिणाम निकलता है इसको न्यूज क्लिक लगातार इस पर नज़र बनाए रखेगा और इन खबरों को लगातार देखने के लिए आप न्यूज क्लिक के चैनल पर आ सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर आ सकते हैं हमारे यूट्यूब को फॉलो कीजिए फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए धन्यवाद